दिक्कत हो जाएगा ना फिर। तो हम बात कर रहे थे सातवाहनों के विषय में, सातवाहनों के मूल निवास स्थान के विषय में। तो सातवाहनों के मूल निवास स्थान के विषय में जो है वह दो प्रकार का बातें सामने आती हैं। पहला है कि कृष्णा और गोदावरी नदियों की निचली घाटियों या दक्षिणी पठार का पूर्वी भाग जो है सातवाहनों का मूल निवास स्थान है। लेकिन और इस मत के जो समर्थक हैं वो स्मिथ और भंडारकर हैं। कौन है इस मत के समर्थक? स्मिथ और भंडारकर। स्मिथ के अनुसार जो है सातवाहनों की राजधानी श्रीकाकुलम है। श्रीकाकुलम कहाँ है? श्रीकाकुलम। और भंडारकर के अनुसार क्या है? धान्यकटक। भंडारकर के अनुसार उनकी राजधानी क्या है? धान्यकटक है। और इस मत के समर्थन का मूल आधार जो है वह है आंध्र, आंध्र शब्द। क्योंकि पुराणों में सातवाहनों को आंध्र कहकर संबोधित किया गया है, आंध्र शब्द, और या आंध्र वृत्तीय भी कहा गया है, आंध्र या आंध्र वृत्तीय, आंध्र वृत्तीय। तो ये जो है वह गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य में निवास करते थे, इसीलिए इन्हें आंध्र या आंध्र वृत्तीय कहा गया है। परंतु इन मतों के विरुद्ध में सबसे बड़ी आपत्ति यह है कि उपयुक्त स्थानों में कहीं से भी सातवाहनों का कोई अभिलेख अथवा सिक्का नहीं प्राप्त हुआ है। यानी जो जिक्र स्मिथ और भंडारकर ने किया है वहां से कोई भी सिक्का या अभिलेख नहीं मिला है। यह और दूसरा बात है कि यह एक महत्वपूर्ण बात है कि सातवाहन राजाओं के जो है बहुत से अभिलेख तथा सिक्के कहाँ से मिले हैं? महाराष्ट्र के प्रतिष्ठान से। महाराष्ट्र के कहाँ से? प्रतिष्ठान से, जिसे पैठन भी कहा जाता है। सातवाहनों ने प्रतिष्ठान को ही अपनी राजधानी बनाई थी। और रानी नगनिका के जो नानाघाट अभिलेख है वह भी जो है प्रतिष्ठान से 100 मील की दूरी पर है। कहाँ? 100 मील की दूरी पर है। और यह जो है सातवाहनों के जो प्रथम शासक हुए या संस्थापक हुए सिमुक, उनका एक रिफिल चित्र भी यहाँ से मिलता है। तो इससे और जो अभिलेख है नासिक का अभिलेख है वहाँ से भी सातवाहनों के दूसरे राजा जो कृष्ण थे या कान्हव भी कहा जाता है उन्हें, वह उनका जिक्र मिलता है। दूसरे अभिलेख से है इस वंश के तीसरे राजा यानी सातकर्णी प्रथम के पौत्री के विषय में उल्लेख मिलता है। तो और सबसे बड़ी बात मराठी, मराठियों से जो है वह सातवाहनों का बहुत गहरा संबंध था। इस चीज़ की चर्चा जो है हम सातकर्णी प्रथम के समय में करेंगे। तो और सिक्के, सिक्के भी जो है महाराष्ट्र के जोगमथली जगह से ही हमें मिलता है। तो यह माने प्रमुख प्रमाण है जो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि सातवाहन जो थे वह महाराष्ट्र के ही निवासी थे। और कालांतर में जो है शकों ने उन्हें पराजित करके महाराष्ट्र से खदेड़ दिया होगा, इसके आधार पर उन्हें क्या है आंध्र कहकर बुलाया गया या इस वंश को आंध्र सातवाहन वंश कहा गया। तो ये हुआ उनके मूल निवास स्थान के विषय में जानकारी। आगे हम बात करते हैं वंश का नाम। जैसा कि अभी पहले मैं बता रही थी कि पुराणों में इन्हें आंध्र कहा गया है, लेकिन अभिलेखों में पुराणों में क्या जिक्र है? पुराणों में आंध्र, लेकिन अभिलेख जो है अभिलेख वहां कहीं भी आंध्र शब्द का जिक्र नहीं है। वहां हर जगह क्या है? सातवाहन। सातवाहन यानी हम जो सातवाहन नाम है उसके अर्थ के विषय में यहाँ बात करेंगे। उस वंश का जो नाम पड़ा क्यों पड़ा इसे। और सोमदेव का कथा सरित्र सागर, सोमदेव कथा
सरित सागर में भी जो है सातवाहन शब्द का यूज किया गया है, यानी सोमदेव के कथा सरित सागर में भी किस शब्द का यूज किया गया है, सातवाहन शब्द का यूज किया गया है। और कथा सरित सागर में कहा गया है कि सात नामक यक्ष को अपना सवारी बनाने वाले को सातवाहन कहा गया है। यानी सातवाहन जो हम पढ़ते हैं कि सातवाहन कौन थे, क्या थे या किसे कहते हैं, तो सोमदेव ने अपने कथा सरित सागर में कहा कि सात नामक यक्ष को अपना वाहन बनाने के कारण उन्हें सातवाहन कहा गया। लेकिन इतिहासकार जोगलेकर महोदय ने जो कहा है कि सातवाहन शब्द जो है सातवाहन को सप्तवाहन का अपभ्रंश कहा गया है। यानी उनके अनुसार जो है सातवाहन क्या है, सप्तवाहन शब्द का अपभ्रंश है। क्या है? अपभ्रंश उनके अनुसार क्या है, सप्तवाहन जो है सूर्य का नाम है, सप्तवाहन सूर्य का नाम है। अतः सातवाहन शब्द जो है सूर्यवंशी नरेशों का है। यानी सातवाहन क्या थे, वह सूर्यवंशी नरेश थे। उनके अनुसार सातवाहन की मुद्राओं पर भी उज्जैनी का चिन्ह सूर्य का प्रतीक है। तो आप समझ गए कि सातवाहन नाम जो पड़ा वह क्यों पड़ा, कैसे पड़ा। अब हम आते हैं इनके सातवाहन में जो राजा थे उनके विषय में चर्चा करते हैं। तो सातवाहन डायनेस्टी के विषय में कहा गया है कि एक स्रोत से हमें 23 राजाओं का जिक्र मिलता है और पुराणों के अनुसार हमें मिलता है कि नहीं, इसमें 30 राजा थे। यानी सातवाहनों का जो शासनकाल था वहाँ पे कहीं पे जिक्र मिलता है कि 23 राजाओं का शासनकाल था, कहीं पे जिक्र मिलता है कि 30 राजाओं का शासनकाल था। लेकिन इसमें मुख्य रूप से हमें कुछ ही राजाओं के विषय में ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सिमुक की। किसकी बात करते हैं? सिमुक की। सिमुक जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक कौन था? सातवाहन वंश का संस्थापक था, जिसे सिंधुक भी कहा जाता है। और इसने जो है कन्नव वंश के अंतिम शासक सुशर्मा को पराजित करके या हत्या करके सातवाहन वंश की स्थापना की थी। इसने क्या की थी? सातवाहन वंश की स्थापना की थी। और इसका शासनकाल जो है वह 235 BC से 212 BC तक माना जाता है सिमुक का शासनकाल। और इसने कितने वर्षों तक शासन किया? इसने कुल 23 वर्षों तक शासन किया। 23 वर्ष तक इसने शासन किया। और इसका शासनकाल जो है इसने अच्छे राजा का रोल अदा किया। और इसके नाम का उल्लेख नाना घाट के चित्र फलक से मिलता है, जिसमें इसे राजा सिमुक सातवाहन क्या कहा गया, राजा सिमुक सातवाहन। यानी नाना घाट अभिलेख में इसे राजा सिमुक सातवाहन से संबोधित किया गया है। यानी राजा सिमुक सातवाहन कौन था? सिमुक था। और ये नानाघाट अभिलेख से हमें जानकारी मिलती है। और जैन गाथाओं के अनुसार इसने जो है बहुत सारे बौद्ध मंदिरों तथा का निर्माण कराया था। और अंतिम समय में सिमुक जो है वह दुराचारी हो गया था, तो इसको क्या किया, गद्दी पर से हटा करके इसकी हत्या कर दी गई। यानी अंत समय जो है इसका यह बहुत ही, और इसका जो है यह जो जानकारी मिलती है यह हमें वायु पुराण से मिलती है। वायु पुराण में यह कहा गया था कि एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो कन्नव वंश और शुंग वंश का अंत करके एक नए राजवंश की स्थापना करेगा। तो ये तो हमें सातवाहन के विषय में जानकारी। उसके बाद जो है हम आते हैं कान्हा पे। कान्हा या कृष्ण, यह जो था
सिमुक का भाई था। कान्हा या कृष्ण जो था वह कौन था? सिमुक का भाई था। और यह 212 BC से 195 बीसी तक यानी 195 बीसी तक शासन करता है। और इसका शासन काल जो है वह 18 वर्षों का होता है। इसका शासन काल कितने वर्षों का होता है? 18 वर्षों का होता है। और नासिक अभिलेख से हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है। कहाँ से जानकारी मिलती है? नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख से हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है। इसके बाद हम आते हैं सातकर्णिक प्रथम पे। कौन? सातकर्णिक प्रथम। सातकर्णिक प्रथम कौन था? तो सातकर्णिक प्रथम जो था वह सिमुक का पुत्र था। सातकर्णिक प्रथम, सातकर्णिक प्रथम जिसे वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। यानी सातवाहन वंश का वास्तविक संस्थापक सातकर्णिक प्रथम को कहा जाता है। और इसका शासन काल जो था 195 BC टू 185 BC। और इसका पूरा शासन काल जो है वह 10 वर्षों का होता है। कितने का होता है? पूरे 10 वर्षों का इसका शासन काल होता है। और इसकी पत्नी का नाम जो है वह नागनिका है। पत्नी का नाम क्या है? सिमुक की पत्नी का नागनिका है का। इसी का अभिलेख जो है नानाघाट अभिलेख है। नानाघाट अभिलेख। और इसके दो पुत्र थे। सातकर्णिक के पुत्र थे, दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो पुत्र थे। एक का नाम था वेदश्री और दूसरे का नाम था शक्तिश्री। क्या था? वेदश्री और शक्तिश्री। नाम के अनुसार आपको लग रहा होगा कि ये बहुत शक्तिशाली था, लेकिन ऐसा नहीं है। ये नाम में ही शक्ति थी सिर्फ, उनके इनमें कोई सामर्थ्य नहीं था, वेदश्री और शक्तिश्री। उसके बाद हम देखते हैं कि सातकर्णिक प्रथम जो है वह ब्राह्मण धर्म को ही अपनाता है। यानी यह ब्राह्मण धर्मावलंबी था। क्या था? ब्राह्मण धर्मावलंबी था सातकर्णिक प्रथम। और इसने 18 प्रकार के यज्ञ किए। कितने प्रकार के यज्ञ किए? 18 यज्ञ किए। सातकर्णिक प्रथम ने 18 यज्ञ किए। और इसने जो है उपाधि धारण की। पहले के समय में राजा जो थे वह उपाधि धारण करते थे। तो इसने जो उपाधि की वह इसने उपाधि धारण की प्रतिष्ठानपति। प्रतिष्ठानपति यानी जो इसकी राजधानी थी उसको इसने महत्व प्रदान किया और प्रतिष्ठानपति। दूसरा था दक्षिणापथपति। दक्षिणापथपति ये चूंकि इसका साम्राज्य जो है वह दक्षिण में ही फैला, न पूर्व में न पश्चिम में और न ही उत्तर में। तो यह क्या, इसका साम्राज्य कहाँ? दक्षिण की ओर फैला। इसे क्या कहा गया? दक्षिणापथपति। और एल्डर सेरागुनस एक उपाधि इसने धारण की एल्डर सेरागुनस के। इसे हम उपाधि नहीं कहेंगे क्योंकि ये जो है पेरिपिलस ऑफ द इथेरियन सी। पेरिपिलस ऑफ द इथेरियन सी नामक एक पुस्तक है जिसमें एल्डर सेरागोनस नाम से इसे संबोधित किया गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस और सैंड्रोकोटस यूनानी साहित्य में संबोधित किया गया, उसी तरह पेरिप्लस ऑफ द इथेरियन सी में एल्डर सेरागोनस नाम से जो है वह सातकर्णिक प्रथम को संबोधित किया गया है। और आप एक देखेंगे कि इसकी पत्नी नागनिका जो थी वह जो थी अंगीय कुल के मराठी गवर्नर। कौन थी? अंगीय कुल के मराठी गवर्नर त्रैन त्रैन
त्रैन लिख देती हूँ मैं, त्रैन किरो की पुत्री थी। और यह जो थे नाम मात्र का ही इन्होंने सातवाहनों का आधिपत्य स्वीकार किया था। यह बहुत ही शक्तिशाली थे क्योंकि सातकर्णी प्रथम का जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी वह नीति थी युद्ध और वैवाहिक संबंध। तो नागनिका से शादी करना भी जो था साम्राज्य विस्तार का ही एक रूप था। उसके बाद हम आते हैं कि इसने दो क्या किए थे, दो जो है यज्ञ किए थे, राजसु यज्ञ, सॉरी दो अश्वमेध यज्ञ किए थे। यानी सातकर्णी प्रथम ने दो अश्वमेध यज्ञ किए। तो पहला अश्वमेध यज्ञ जो है यह राजा बनने के तुरंत बाद करता है, दूसरा जो है वह शासन के अंतिम वर्षों में करता है। और यह मैंने पहले भी बताया है कि इसने अपनी राजधानी जो है प्रतिष्ठान को बनाई थी। उसके बाद हम आते हैं कि इसने सातवाहनों का जो है, ये तो सातवाहन वंश का समझे स्वर्णिम समय था। इसके बाद हम आते हैं सातवाहन वंश के डार्क एज पे, जिसे अंधयुग भी कहा जाता है, सातवाहन वंश का अंधयुग। सातवाहन वंश का अंधयुग, तो सातवाहन वंश का अंधयुग जो आता है यानी सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच के जो शासनकाल था उसे अंधयुग कहा जाता है। और इस अंधयुग में शासकों की संख्या जो है 10 से 19 बताई जाती है। कितनी बताई जाती है, सातकर्णी प्रथम और गौतमी पुत्र सातकर्णी के बीच के जो शासक थे उनकी संख्या लगभग 10 से 19 के बीच में बताई जाती है। लेकिन हमें तीन ही शासकों के विषय में जानकारी मिली है। तो पहला शासक था आपलिक, दूसरा शासक था कुंतल और तीसरा शासक था हाल। तो इसका जो एक सिक्का है, आपलिक का जो एक तांबे का सिक्का है वो हमें एमपी से प्राप्त होता है। यानी आपलिक का एक सिक्का हमें कहाँ से मिलता है, एक तांबे का सिक्का, तांबे का सिक्का जो है वह मध्य प्रदेश से मिलता है। कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश से मिलता है। यानी थोड़ी सी ऐतिहासिकता तो सिद्ध हो ही रही है। उसके बाद कुंतल, जो कुंतल प्रदेश का शासक था और इसका जिक्र जो है हमें वात्सायन के कामसूत्र से मिलता है। कहाँ से मिलता है, वात्सायन के कामसूत्र से। कामसूत्र से हमें इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी, ये जो है कंप्लीट डार्क एज। और तीसरा जो है हाल, जो इस डार्क एज में सबसे महत्वपूर्ण शासक है। और हाल का जो है, हाल की पत्नी जो थी वह मलयवती थी। हाल की पत्नी का नाम क्या था, मलयवती था। हाल की पत्नी का नाम मलयवती था। मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि जो सातवाहन शासक थे वह प्राकृत भाषा बोलते थे। यानी इनके राज्य में प्राकृत भाषा जो थी वह राजभाषा थी। लेकिन हाल की जो पत्नी मलयवती थी वह संस्कृत भाषा जानती थी, संस्कृत भाषा जानती भी थी, बोलती भी थी। तो हम यह कह सकते हैं कि राजभाषा अलग होती है, राष्ट्रभाषा अलग होती है, लेकिन लोगों की भी अपनी बोलचाल की भाषा होती है। जैसे हम लोग अभी बोलते हैं हमारी राजभाषा, राष्ट्रभाषा या राज्य भाषा अलग है, अलग है, लेकिन लोगों की जो अपनी लोक भाषाएँ हैं वह अलग है। तो ऐसी पाबंदियाँ उस समय भी नहीं थी कि भाई राजभाषा ही बोला जाए, इस
तथ्य से तो यही प्रमाणित होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि हाल जो है वह गाथा सप्तशती नामक एक पुस्तक लिखता है। हाल क्या लिखते हैं? गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखते हैं। उसी समय इनके राज्य में जो है कातंत्र नामक एक पुस्तक लिखाता है, जिसके लेखक जो है सर्ववर्मन है। कौन है? सर्ववर्मन। सर्ववर्मन जो है वह कातंत्र नामक और बृहत कथा जो है वह गुणाढ्य की रचना है। किसकी है? तो हल जो है यह खुद एक जो है कवि थे, और इनके समय में जो है जब कोई कलाकार होता है तो वह कलाकारों की क्या करता है? इज्जत करता है। तो इनके समय में कातंत्र जो सर्ववर्मन ने लिखा था और गुणाढ्य जो बृहत कथा जो गुणाढ्य ने लिखा था। अब हम देखते हैं कि इनका एक सेनापति था। इनका क्या था? इनका एक सेनापति था जिसका नाम विजयचंद था। इनके सेनापति का नाम क्या था? विजयचंद था। क्या था? विजयचंद, जो श्रीलंका जीतता है। क्या करता है? श्रीलंका को जीतता है, और इसके समय में जो है एक किताब भी लिखता है, जिसे सैनिकों के विजय के विषय में हमें जो है जानकारी मिलती है। तो सैनिकों के विषय में जानकारी हमें किससे मिलती है? हाल के ही पुस्तक से मिलती है। और हाल की जो पुस्तक है, तो आज आप लोगों ने सातवाहन वंश के विषय में पढ़ा, और सातवाहन वंश के विषय में पढ़ने के बाद हम आगे बात करेंगे गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में। अगले वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में पढ़ेंगे। थैंक यू।